आइए अब मध्यम अवधि में पकने वाली संकर धान की किस्मों के बारे में चर्चा करते हैं। पीएचबी 71 135 से 140 दिनों में पककर तैयार होने वाली यह किस्म 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। पौध तैयार करने के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि 8 जून से 21 जून के बीच का समय बीज गिराने के लिए उपयुक्त होता है। KRH 2 यह किस्म 135 से 140 दिनों में ही तैयार हो जाती है। यह किस्म 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता वाली है और नर्सरी में इसके बीज को 8 से 21 जून तक 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गिराना चाहिए। अराइज 6444 यह किस्म 135 से 140 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से 8 से 21 जून तक बिचड़े के लिए बीज गिराना चाहिए और मुख्य खेत में इसकी बुआई 20x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। अगली किस्म है पूसा RH 10 115 से 120 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से 8 से 21 जून तक बिचड़े के लिए बीज गिराने का उत्तम समय होता है और मुख्य खेत में इसकी बुआई 20x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। पंत संकर धान 1 ये किस्म 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली है जो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। बिचड़े के लिए इस प्रभेद के बीज को 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 8 से 21 जून तक नर्सरी में गिराएं और मुख्य खेत में इसकी बुआई 20x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें।